तो आज हम आए हैं मीरा मेवाड़ आइसक्रीम फालूदा खाने। इनका केसर फालूदा बहुत ज़्यादा फेमस है अंधेरी ईस्ट का, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो पीछे ये है हमारा केसर फालूदा। अगर आप गर्मी में एक काफ़ी ठंडा सा कुछ खाने का सोच रहे हैं, इससे अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी पूरे अंधेरी ईस्ट में। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है इसमें। इसमें इसकी आइसक्रीम है जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी जेलीज है काफ़ी सारी, फिर इनके यहाँ पे केसर है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका केसर और पिस्ता का मिक्सचर है। बहुत ज़्यादा रिच है, गर्मी में काफ़ी फ़ायदा करता है ये। कल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है ये, एकदम परफेक्ट है। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, लेकिन मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि मैं ये खा रहा हूँ। चलिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ, तब तक आप यहाँ पे आके इसको ट्राई कीजिए, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। जी हाँ, तो भैया आपने इसमें डाला क्या क्या था? सेवई डाला। हाँ, वो भी हम घर पे बनाते हैं। अच्छा, एकदम फ्रेश फ्रेश होता है वो? हाँ, एकदम। अरे वाह, घर पे ही बनाते हैं। हाँ, बाहर से नहीं लाते। अच्छा, ठीक है। और फिर उसमें मिल्क, वो भी हम घर पे बनाते हैं। घर पे पूरा सब कुछ? अरे वाह, सब सामान अपना आइसक्रीम का टोटल घर पे बनता है। अच्छा, ठीक है। और आइसक्रीम और काजू किशमिश। हाँ, आपने उसमें कुछ पेड़ा टाइप का भी डाला था क्या? हाँ, वो जेली है, टूटी फूटी है। हाँ, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ड्राई फ्रूट फालूदा है। अच्छा, एकदम। तो कहाँ कहाँ से लोग खाने आते हैं आपका? कुरला से, वो मल्हार से, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, ये नागरदास सिने कॉलेज के पास फालूदा फेमस है। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, चलता भी बहुत होगा आपका? बहुत अच्छा चलता है। हाँ, और एकदम सस्ता है फालूदा। हाँ, खाली 30 रुपए गिलास खाली। अरे वाह, अरे वाह, और इतना सस्ता कहीं नहीं मिलता। सस्ता और सुंदर, सस्ता और सुंदर। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी थी आपकी भैया। चलिए, थैंक यू सो मच भैया।